अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने जो काउंटिंग प्रिंसिपल का टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद एक दो क्वेश्चन थे 7.1 के वो हमने कंप्लीट किए थे। बाकी क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो तो कल किया था हमने और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैंने आप लोगों को शुरू के लेक्चर में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये रह गया था, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको उसी वक्त समझ आएगा जब काउंटिंग प्रिंसिपल आपको आता हो, जो कि मैंने कल डिटेल में बता दिया था। तो जरा क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ और जरा देखते हैं सिचुएशन क्या लिखी हुई है यहां पे। एक्सरसाइज चल रही है 7.1। 2 में लिखा हुआ है देयर आर 53 स्टूडेंट्स टेकिंग मैथमेटिक्स और फिजिक्स और बोथ। देखो याद रखना किसी भी सेट का जब आप यूनियन निकालते थे तो यूनियन के अंदर तीन किस्म के एलिमेंट्स होते थे। पहला पहले सेट से बिलोंग करेगा, दूसरे किस्म के एलिमेंट होते थे जो दूसरे सेट से बिलोंग करते थे, और एक तीसरे किस्म के एलिमेंट होते थे जो दोनों सेट से बिलोंग करते थे। ये यूनियन के अंदर होता हुआ है। चैप्टर नंबर 1 में जब आप यूनियन निकालते थे दो सेट के दरमियान तो ये तीन किस्म के एलिमेंट आपको नजर आते थे। अनलेस अगर वो दोनों डिसजॉइंट है तो फिर कॉमन कुछ नहीं होगा, वरना जनरली आपको तीन किस्म के एलिमेंट नजर आते थे। तो ये बिल्कुल यूनियन आपको बताया गया है। देखो क्या जिक्र किया है कि 53 स्टूडेंट जो है जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे या फिजिक्स पढ़ रहे या बोथ, दो कैटेगरी और फिर कॉमन वाली कैटेगरी। तो ये यूनियन बताया गया आपको, मतलब मैथ और फिजिक्स के बच्चों का यूनियन आपको बताया हुआ है कि कितने यूनियन क्या आ रहा है 53 स्टूडेंट है। मतलब मैथमेटिक्स और फिजिक्स का जो सेट है उसका जब आप यूनियन निकालोगे तो कितने स्टूडेंट आएंगे, 53 आएंगे। ठीक है, फिर गिवन है 38 स्टूडेंट टेकिंग मैथमेटिक्स। आपको बोला जा रहा है कि जो 38 है वो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। फिर लिखा हुआ है एंड 40 स्टूडेंट टेकिंग फिजिक्स, जो 40 स्टूडेंट है वो फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अच्छा देखो याद रखो जब ये बात बोली जाए ना कि यार फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास है, एक मैथ की क्लास हो रही है, ठीक है, तो आपकी क्लास में आपको अनाउंस करेगी यार ये मैथ की क्लास में कितने बच्चे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल मैथ की क्लास में 38 बच्चे हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि जो 38 बच्चे हैं वो सिर्फ मैथ पढ़ रहे हैं, वो कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे? भाई पढ़ रहे हैं बिल्कुल। तो अगर कोई आपको बोले ना कि 38 स्टूडेंट मैथ पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, अनलेस वो बता दें कि यार वो ओनली मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, कोई मेंशन कर दिया जाए, वरना ये बात अंडरस्टूड होती है कि वो दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ रहे होंगे। तो 38 स्टूडेंट में ऐसे स्टूडेंट है जो मैथ पढ़ रहे हैं या ऐसे स्टूडेंट है जो मैथ के साथ फिजिक्स पढ़ रहे हैं, दो कैटेगरी इसमें हो सकती है कि या तो स्टूडेंट मैथ पढ़ रहे हैं या स्टूडेंट मैथ फिजिक्स दोनों पढ़ रहे हैं, कोई और कैटेगरी नहीं हो सकती कि यार सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे हो। नहीं, जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं उसमें ये कैटेगरी नहीं है कि उसमें कुछ फिजिक्स पढ़ने वाले होंगे, नहीं, दो कैटेगरी होंगी, या तो वो मैथ पढ़ रहे होंगे या मैथ के साथ फिजिक्स पढ़ रहे होंगे। इसी तरीके से ये जो लिखा है ना 40 स्टूडेंट टेकिंग फिजिक्स, तो इसका मतलब ये है कि इसमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे होंगे या कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो फिजिक्स के साथ मैथ भी पढ़ रहे होंगे। ये सब 40 के अंदर उन्होंने इंक्लूड कर दिया। ठीक है, करना क्या आपको लिखा हुआ है, फाइंड करो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। आपसे बोला जा रहा है कि जो बोथ वाले स्टूडेंट है ना जो फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं और जो मैथ भी पढ़ रहे हैं, ये हमें बताओ। और दूसरे पार्ट में बोला हुआ है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग मैथमेटिक्स बट नॉट फिजिक्स। ये दूसरे पार्ट की एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को अभी दी है। ये दूसरे पार्ट में स्टूडेंट आंसर 38 लिख देते हैं, कहते हैं भाई ऊपर लिखा हुआ ना कि 38 स्टूडेंट मैथ ले रहे हैं, तो नीचे वाले पार्ट 2 में बोल देते हैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट आर टेकिंग मैथमेटिक्स, तो वो कह देते हैं 38। हालांकि आगे उन्होंने कंडीशन लगाई है बट नॉट फिजिक्स। मैंने बताया था कि जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं ये 38 बच्चे हैं, इसमें से 38 के 38 ये नहीं है कि वो ओनली मैथ पढ़ रहे हैं, नहीं, ऐसी कोई शर्त नहीं है। इसके अंदर दो कैटेगरी के बच्चे होंगे, या तो वो मैथ पढ़ रहे होंगे या वो मैथ के साथ फिजिक्स भी पढ़ रहे होंगे। तो अगर आपसे पूछे कि मुझे बताओ कि सिर्फ मैथमेटिक्स कौन से पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर 38 नहीं होगा। 38 में दो कैटेगरी है, सिर्फ अगर मैथ की कैटेगरी निकालनी है तो उसके लिए आपको कोई नया काम करना पड़ेगा। 38 इज नॉट द राइट ऑप्शन कि अगर आपसे कोई बोले कि सिर्फ मैथ कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दो सवाल हैं, ओवरव्यू दे दिए, मैं जरा सॉल्यूशन करवाता हूं उसके बाद भी आप लोगों को समझा देता हूं। अच्छा, सबसे पहले ना यार आप डिफाइन कर लो थोड़ा, अगर आप चाहो तो, ये कि इसमें एम का मतलब क्या है, फिजिक्स का क्या है, जरा शुरू में डिफाइन कर लेते हैं हम, कि लेट कर लो कि ये जो एम है ये है सेट ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग मैथमेटिक्स। अच्छा, पी का मतलब सेट ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग फिजिक्स, और एक और चीज है एम प्राइम। ये एम का, एम प्राइम का मतलब यार ये आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, इसको मैं थोड़ा सिंबल चेंज कर देता हूं, क्योंकि प्राइम का मतलब ये ना कॉम्प्लीमेंट ना समझ लो, मैं इसको स्टेरिक डाल देता हूं।
कुछ भी आप लिखते हो, एम की जगह कोई और लेटर भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं मैथ से रिलेटेड कोई सिंबल डालना चाह रहा हूं, तो मैंने एम स्टेरिक लिख दिया। ये एम स्टेरिक का मतलब क्या है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स, यही डाल देते हैं ना, टेकिंग मैथ बट नॉट फिजिक्स। कि भाई ये जो सेट है ना, इसमें है स्टूडेंट जो मैथ ले रहे हैं, मैथ के साथ वो फिजिक्स भी ले सकते हैं, हो सकती है पॉसिबिलिटी। जबकि ये एम स्टेरिक वाला सेट है, इसका मतलब है कि ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ मैथ ले रहे हैं और कोई सब्जेक्ट नहीं ले रहे, तो इसको आप शो करोगे एम स्टेरिक से। ठीक है, अब सवाल पे आ जाते हैं, सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में उन्होंने क्या बोला हुआ था कि सबसे पहले डाटा बना देते हैं हम। ठीक है, डाटा आपको क्या गिवन है कि 53 स्टूडेंट जो है फिजिक्स मैथ या बोथ पढ़ रहे हैं। इसको आप सेट की फॉर्म में कैसे लिखते हो, एम यूनियन पी। ये मॉड का मतलब क्या है, नंबर ऑफ। ये मैं जानबूझ के मॉड लगाता हूं, क्योंकि आप लोगों को मॉड का मतलब समझ आता है कि पॉजिटिव को नेगेटिव कर, नेगेटिव को पॉजिटिव करता है मॉड का, वैसे काम है। मैंने बार बार बताया कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, मैथ के अंदर कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को बहुत दफा एग्जाम्पल दी है, आप कुछ स्टूडेंट यहाँ पे सेकंड ईयर के हैं तो आप लोगों को इतनी बात समझ नहीं आती, लेकिन मैं सिंबल की अगर बात करूं ना तो सिंबल के मतलब ही डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने सिर्फ ये चीज लिखूं, इसके मैं चार मतलब बता सकता हूं आपको मेरे ख्याल में। फॉर एग्जाम्पल अगर ए जो है वो यहां पे सेट है, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। अगर ए यहां पे मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर ए यहां पे कोई नंबर है, इसका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए, मतलब पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। मैंने तीन मतलब आपको यहां पे बताए, और भी शायद मतलब होता है कहीं, इसका मेरे जहन में नहीं आ रहा। ये सिंबल आप शायद कहीं और यूज करते हो, खैर तीन मतलब तो मैंने आपको बता दिया ना, तो कॉन्टेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। सही है, अच्छा। तो एम यूनियन पी का मतलब ऐसे स्टूडेंट जो मैथ दे रहे हैं या फिजिक्स दे रहे हैं वो कितने हैं, सवाल में लिखा हुआ 53 है। उसके बाद लिखा हुआ है कि 38 स्टूडेंट टेकिंग मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के सेट को हमने एम से लिखा है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 38 नंबर ऑफ एलिमेंट है। उसके बाद लिखा हुआ है 40 स्टूडेंट टेकिंग फिजिक्स, तो फिजिक्स वाले कितने बच्चे हैं, 40 हैं। ये आपको डेटा गिवन है। अच्छा, मालूम यहां पे क्या करना है, सबसे पहली चीज आपको बोला गया है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। मतलब ये बात पूछी जा रही है कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स बोथ की बात की जा रही है, मतलब कॉमन बच्चे कौन से हैं जो मैथ भी ले रहे हैं जो फिजिक्स भी ले रहे हैं, वो आपको बताना है सबसे पहले। दूसरी चीज, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग मैथमेटिक्स बट नॉट फिजिक्स। ये मैंने डिफाइन किया हुआ ऊपर कि एम स्टेरिक ऐसा सेट है जिसमें जो स्टूडेंट है वो मैथ ले रहे हैं और फिजिक्स नहीं ले रहे। इसका मतलब जो एम स्टेरिक है इसके नंबर ऑफ एलिमेंट आपको निकालने हैं। ये दो काम आपको करना है। जरा कैसे करेंगे, बहुत ईजी सवाल है, बस कॉन्सेप्चुअल है, तो मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा होता हूं। फॉर एग्जाम्पल क्या यार, रास्ते में लाल पे आ गए। अच्छा, सबसे पहली बात, मैंने आप लोगों को कल एक प्रिंसिपल करवाया था जिसको आप कहते हो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। क्या बताया था मैंने कि अगर आपने ए यूनियन बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस सॉरी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट, ये फॉर्मूला होता है, मैंने कल करवाया था। ठीक है, तो खैर इसको मैं बिल्कुल मैंने ए पी के फॉर्म में लिखवा दिया, मैं इसको एम पी के फॉर्म में लिख देता हूं कि एम यूनियन पी बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट जो इन दोनों सेट में कॉमन है। ठीक, आप वैल्यूज पुट कर दो, एम यूनियन पी की वैल्यू गिवन है 53, एम की वैल्यू गिवन है 38, इसकी वैल्यू गिवन है 40, माइनस ये चीज आपको पार्ट वन में निकालनी है। तो सिंपल मैथ है, आपने अरेंज करके जो एम इंटरसेक्शन पी है इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने, तो क्या होगा, ये 38 प्लस एक काम करो, इस वाली चीज को उधर ले जाओ और 53 को उधर ले आओ। ठीक है, तो 38 प्लस 40 क्या होता है, 78 माइनस ये 53 था, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। तो अब सॉल्व करो, M इंटरसेक्शन P क्या आ जाएगा, 25। तो
तो ये आपके पहले पार्ट का आंसर आ गया है, जो पहला पार्ट था उसका आंसर आ गया है कि ऐसे स्टूडेंट जो फिजिक्स मैथ दोनों पढ़ रहे हैं उनकी तादाद कितनी है, 25। अच्छा जी, दूसरा पार्ट क्या था, ऐसे स्टूडेंट जो मैथ ले रहे हैं लेकिन फिजिक्स नहीं ले रहे, ठीक है। दोबारा इस बात को मैं रिवाइज करता हूं, मैंने शुरू में भी बात बताई है, ये जो सेट आप लोगों के सामने लिखा हुआ है इसको उन्होंने डिस्क्राइब किस तरीके से किया था कि ऐसे स्टूडेंट जो मैथ ले रहे हैं वो 38 है। तो मैंने बताया था कि अगर आपको बोला जाए कि ऐसे स्टूडेंट जो मैथ ले रहे हैं, इसके दो मतलब बनेंगे कि इसके अंदर दो किस्म के बच्चे होंगे, एक वो बच्चे जो सिर्फ मैथ ले रहे होंगे और एक वो बच्चे होंगे जो मैथ के साथ फिजिक्स भी ले रहे होंगे, ठीक है। अब अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करो क्या करना था, हाँ ये जो सेट लिखा है ना आपके पास M का, ये मैं फेयर वर्क में आपको करवा देता हूं, ठीक है। वो ये कि जो M स्टेरिक है, M स्टेरिक का मतलब ऐसे बच्चे जो सिर्फ मैथ ले रहे हैं, ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा कि आप क्या करो, ये जो M सेट है इससे माइनस कर दो आप M इंटरसेक्शन P। क्या मतलब है इसका, मतलब ये है कि M के अंदर ये दो बच्चे थे जो मैथ और फिजिक्स ले रहे थे, ये जो मैथ और फिजिक्स लेने वाले बच्चे हैं ये कॉमन है ना, मतलब ये अभी आपने निकाला था, इसका मतलब क्या था, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जो दोनों सब्जेक्ट ले रहे हैं 25। इसका मतलब क्या है, ये जो 38 स्टूडेंट आपके सामने लिखे हैं इसमें से 25 ऐसे हैं जो कॉमन है, मतलब जो मैथ भी ले रहे हैं फिजिक्स भी ले रहे हैं, तो रिमेनिंग कितने बचे, टोटल 38 थे, रिमेनिंग कितने बचे, 13। दोबारा बात बताता हूं भाई, 38 स्टूडेंट जो मैथ के हैं इसमें ऐसे स्टूडेंट भी है ना जो मैथ फेस ले रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट की तादाद आपने शुरू में निकाल ली है, ऐसे स्टूडेंट जो दोनों सब्जेक्ट ले रहे हैं 25। तो अगर आप 38 में से 25 माइनस कर दोगे, मतलब वो उन स्टूडेंट्स को माइनस कर दोगे जो मैथ फेस दोनों ले रहे हैं, तो पीछे कौन से बच्चे बचेंगे, पीछे वो वाले बच्चे बचेंगे जो सिर्फ मैथ ले रहे हैं, और उसको मैंने क्या सिंबल दिया है, उसको मैंने सिंबल दिया है एम स्टेरिक का, ऐसे बच्चे जो सिर्फ मैथ ले रहे हैं और फिजिक्स नहीं ले रहे, ठीक है। तो आप क्या करो, एम के अंदर एलिमेंट है 38, जो कॉमन है उनको आप माइनस कर दो, दैट्स इट, आपके पास 13 आ जाएगा। तो इसका मतलब 13 ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ मैथ ले रहे हैं और वो फिजिक्स नहीं ले रहे, ये आपके पार्ट टू का आंसर आ गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, ये चार क्वेश्चन 7.1 के और 7.2 के भी 3-4 क्वेश्चन है, ये सब डिजिट से रिलेटेड है। तो ये मैं 7.1 के बाकी क्वेश्चंस करवाने के बाद मैं आप लोगों को एक साथ ये सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है। तो डिजिट के अलावा जो क्वेश्चंस है ना उनको जरा हम सॉल्व करते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 डिजिट से रिलेटेड है। 7 पे आ जाओ, 7 में क्या बोला हुआ, 7 में बोला हुआ है इन हाउ मेनी वेज, नंबर ऑफ वेज बताओ, तरीके बताओ, कैन अ क्रिकेट 11 के जो क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं चूज अ कैप्टन अ वाइस कैप्टन एंड अ विकेट कीपर। क्रिकेट के अंदर तीन इंपॉर्टेंट पोजीशन है ना टीम के अंदर, बॉलर ऑलराउंडर बैट्समैन, वो तो खैर अलग चीज है, तीन इंपॉर्टेंट पोजीशन क्या है, कैप्टन होगा उसका, वाइस कैप्टन, और तीसरी चीज क्या होगी, विकेट कीपर, सही है। तो आपने क्या करना है, आपने चूज करना है 11 खिलाड़ी में से कैप्टन, वाइस कैप्टन और विकेट कीपर। आपसे बोला जा रहा है कि बताओ ये चूज करने के कितने तरीके हैं, कितने तरीकों से आप चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आज यहां पे देखो ऑर्डर मैटर करता है ना चीजों में, फॉर एग्जाम्पल बाबर को आपने कैप्टन बना दिया, रिजवान को वाइस कैप्टन बना दिया, और अच्छा इसमें एम्प्लॉयड एक इंपॉर्टेंट चीज यहां से पता चली, एम्प्लॉयड है कि जो तीनों है ना वो अलग अलग होने चाहिए, जैसे हमारी क्रिकेट टीम में वाइस कैप्टन और विकेट कीपर, मेरा वाइस कैप्टन रिजवान ही है शायद, तो वो और विकेट कीपर वो दोनों सेम बंदा है, तो इस एग्जाम्पल में हम डिफरेंट की बात कर रहे हैं कि तीनों अलग अलग होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कैप्टन हो उसके साथ विकेट कीपर भी हो, नहीं इस वाली बात नहीं कर रहे, मतलब धोनी वाली एग्जांपल नहीं हो सकती यहाँ पे, वो कैप्टन भी होता था विकेट कीपर भी होता था, तो यहाँ पे तीनों अलग अलग हमने कंसीडर करना है। तो फॉर एग्जांपल बाबर, रिजवान और विकेट कीपर, फॉर एग्जांपल सरफराज आप ले आए हो, ठीक है, ये एक अलग अरेंजमेंट है, मतलब बाबर आ गया, रिजवान आ गया, सरफराज आ गया, इसका मतलब कैप्टन, वाइस कैप्टन, विकेट कीपर, आप इसको शफल भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल ये कर दो, अब ये अलग चीज बन गई है, रिजवान कैप्टन, बाबर वाइस कैप्टन, विकेट कीपर सरफराज, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो एस बी आर, सरफराज कैप्टन, बाबर वाइस कैप्टन, रिजवान विकेट कीपर। तो कहने का मतलब है, अब ये देखो सिर्फ आपने 11 में से 3 प्लेयर चूज किए, उसको मैं 6 तरीके से लिख सकता हूं, और भी तरीके हैं इसके, फॉर एग्जाम्पल बी एस आर, कि बाबर कैप्टन, ये वाइस कैप्टन, ये विकेट कीपर हो जाएगा,
अच्छा मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, आर पहले मैंने आरबीएस लिखा था, अब मैंने आरएसबी लिखा है, ये पांच हो गए, और मैं इसको लिख सकता हूं एसआरबी, पहले मैंने एसबीआर लिखा था, अब मैंने एसआरबी लिखा है। तो कहने का मतलब ये कि 11 खिलाड़ी में से 3 मैंने बस पिक किए हैं और उसमें आप देख लो 6 पॉसिबिलिटीज बन रही है। अब कोई और आप 3 पिक करो, फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर पिक कर लो सरफराज की जगह, फॉर एग्जाम्पल कामरान अकमल ले लेते हैं, खैर रिटायर हो गया लेकिन उसको ले लेते हैं, अब 6 मजीद और बनेंगी, आपने बस एक प्लेयर चेंज किया, 6 परमुटेशन और बन जाएंगी। ये वैसे परमुटेशन होती है, अभी मैं वर्ड यूज करना नहीं चाह रहा, आप ये समझ लो 6 अरेंजमेंट और बन रही है। तो कहने का मतलब बहुत पॉसिबिलिटीज हैं। अब ट्री डायग्राम मैंने आप लोगों को सिखाई थी, उससे बनाने लगोगे घंटे लग जाएंगे आपके, बहुत बड़ी डायग्राम बनेगी। तो बेस्ट तरीका क्या है, जो प्रोडक्ट प्रिंसिपल हमने किया था ना उससे हम सॉल्व करते हैं इसको। तो डेटा छोटा सा बना लेना कि नंबर ऑफ प्लेयर्स, टोटल प्लेयर्स कितने हैं, ये आपको पता होना चाहिए, 11 है। नंबर ऑफ प्लेयर्स टू बी चूजन, कितने प्लेयर को आपने चूज करना है, पता नहीं कौन सी इंग्लिश लिखी है, सही है, आप लोग अगर इंग्लिश किसी को आती होगी वो थोड़ा ठीक कर लेना। बर 11 प्लेयर हैं और कितने आपको चूज करने हैं, 3 चूज करना है, ठीक है। अब हम टोटल, अब इसका आंसर लिख देते हैं, मतलब इसमें कोई लंबी चौड़ी वर्किंग है ही नहीं, डायरेक्ट आंसर आप लिख दो। नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज मतलब कितने तरीके से आप इनको चूज कर सकते हो। अब इन सवालों को करने का तरीका ये होता है कि आप डैश डैश बना के करते हो, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, आप लोग ज्यादातर देखोगे इस तरीके से समझाया जाता है, बात बहुत आसानी से समझ आ जाती है। तो मैं भी डैश डैश करके करवा रहा हूं, ठीक है। डैश करने का मतलब 3 इंपॉर्टेंट पोजीशन है ना, तो सबसे पहले आप कंसीडर कर लो कैप्टन, ये कैप्टन की पोजीशन है, फिर दूसरी पोजीशन है ये कंसीडर कर लो वाइस कैप्टन की, और तीसरी पोजीशन है विकेट कीपर। पेपर में भी ऐसे ही करना है, बिलफर्ज अगर आप लोगों की किस्मत लग गया तो इतना इजी सवाल आ गया, तो पेपर में आपने इसी तरह करना है, कोई ऐसे स्टेप नहीं है जो पेपर में कर नहीं सकते। ये इस प्रोडक्ट प्रिंसिपल परमुटेशन कॉम्बिनेशन के सवाल इसी तरीके से होते हैं, अनलेस कोई बड़ा सवाल ना आ जाए, ठीक है। अब जरा इस बात को गौर से देखना, आपके पास 11 खिलाड़ी हैं, अब यहां पे 3 इवेंट है, पहला इवेंट कैप्टन चूज करना, दूसरा इवेंट वाइस कैप्टन चूज करना, तीसरा इवेंट विकेट कीपर चूज करना। अब अगर आपके पास 11 खिलाड़ी हैं, प्रोवाइडेड कि हम किसी की काबिलियत नहीं देख रहे, किसी को भी कैप्टन बना दो आप, ठीक है, तो 11 खिलाड़ी में से कोई भी आप कैप्टन बना सकते हो। इसका मतलब कैप्टन बनाने के कितने तरीके हैं, आप 11 तरीके से बना सकते हो कैप्टन, किसी भी 11 खिलाड़ी में से किसी को पिक कर लो कैप्टन बना दो। इसका मतलब पहले इवेंट को परफॉर्म करने के कितने तरीके हैं, 11 तरीके। अच्छा आपने कैप्टन पिक कर लिया, अब कितने खिलाड़ी बचे, पीछे 10 खिलाड़ी बचे, तो वाइस कैप्टन अगर आपने बनाना है तो आपके पास कितने ऑप्शन है, 10 ऑप्शन है। अगेन मैंने इसके अंदर वही बात बोली है कि ये इसमें इंप्लाइड है बात, क्योंकि उन्होंने तीनों अलग अलग करके बोला ना, तो इसका मतलब ये तीनों अलग अलग होने चाहिए, ऐसा ना हो कि एक बंदा कैप्टन भी हो और विकेट कीपर भी हो साथ, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं कंसिडर करनी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी एक को कैप्टन बना दिया तो पीछे कितने प्लेयर बचे, 10 में से किसी को भी आप वाइस कैप्टन बना दोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने उसको भी वाइस कैप्टन बना दिया, अब पीछे कितने बचे, 9, तो इसका मतलब 9 में से किसी को भी आप विकेट कीपर बना सकते हो। ये 3 इवेंट के आपने देख लिए कि हर इवेंट की कितनी पॉसिबिलिटीज है। अब ये तीनों काम एक साथ करने हैं ना आपको, ये सारे इवेंट एक साथ होंगे तो प्रोडक्ट प्रिंसिपल लगेगा, क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे, जो कल मैंने बताया था, अगर एक साथ इवेंट सब परफॉर्म करने हो तो मल्टीप्लाई, और अगर कोई भी एक इवेंट करना होता है तो फिर आप एड करते हो, सब करने आप मल्टीप्लाई कर दो, 11 × 10 × 9, तो 110 हो जाएगा, 110 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, या 9 को 10 से करें 90 को 11 से करना है, तो 990, तो इसका मतलब कितने नंबर ऑफ वेज हैं, 990, ये इसका राइट ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है देयर आर 5 कंपटीटर्स फॉर अ प्राइस इन हाई जंप। क्वेश्चन नंबर 8, नंबर ऑफ कंपटीटर्स इन हाई जंप, हाई जंप के अंदर कितने कंपटीटर्स हैं, 8 हैं, सॉरी 5 है। अच्छा फिर क्या लिखा हुआ है, 8 फॉर अ प्राइस इन 100 मीटर रेस, एक 100 मीटर की रेस है, नंबर ऑफ कंपटीटर्स इन 100 मीटर रेस। अच्छा पेपर में आपने ये नहीं करना, प्रॉपर लिख देना, मैं तो ज्यादातर मेरी कोशिश समझाने पे होती है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, 8 आ जाएगा, ठीक है।
फिर लिखा हुआ है एंड सेवन फॉर अ प्राइज इन स्लो साइक। स्लो साइकिलिंग कौन सा गेम है? स्लो साइकिलिंग नंबर ऑफ कंपिटिटर्स इन स्लो साइकिलिंग कितने हैं भाई? सेवन है। करना क्या है? इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज इट मे बी पॉसिबल टू अवॉर्ड दोज प्राइजेस। भाई आपने क्या करना है, आपने यहां पे लोगों को प्राइज देना है, ठीक है? ये पांच कंपिटिटर है हाई जंप के अंदर, आपने प्राइज देना है, इसके अंदर प्राइज देना है, इसके अंदर प्राइज देना है। अब तीन आपके पास इवेंट बन गए। पहला इवेंट, प्राइज देने के कितने तरीके? पांच तरीके हैं भाई, पांच में से किसी भी एक बंदे को दे दो तो पांच तरीके से प्राइज दे सकते हो। पहले बंदे को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवे को, पांच तरीके हैं। इस इवेंट को परफॉर्म करने के आठ तरीके हैं, इस इवेंट को परफॉर्म करने के सात तरीके हैं, ठीक है? तो अगर मैं बात करूं एक साथ अगर आपने सबको देना है तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? क्या आप इन सबको मल्टीप्लाई कर, क्योंकि एक साथ करना, प्रोडक्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर आपने सब इवेंट को एक साथ परफॉर्म करना है तो आप उनकी पॉसिबिलिटीज को आपस में क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहां पे 5 8 40 होता है, 40 को अगर आप 7 से करो 280, इसका मतलब 280 तरीके हैं। अब ये थोड़ा समझने में शायद आप लोगों को मुश्किल लगे, मैं थोड़ा ट्री डायग्राम बनाता हूं, मे बी आप लोगों को बात क्लियर हो जाए। कि फॉर एग्जाम्पल जो पांच बंदे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल को नाम देता है हाई जंप है ना, तो मैं J1 कह देता हूं। J1 मतलब पहला बंदा जो है, पांच बंदे टोटल, पहला बंदा है। फॉर एग्जाम्पल आपने J1 को प्राइज दे दिया, दूसरे इवेंट में आपने रेस जो है ना आठ बंदे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल R1 को प्राइज दे दिया आपने। अब डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है कि अगर आपने पहले J1 को प्राइज दिया, आपने दूसरा R1 को दिया, दूसरा R2 को भी दे सकते हो, तीसरा R3 को भी दे सकते हो, R4, R5, R6, R7, R8 डिफरेंट तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले वाले में एक, जिसको मैंने J1 बोला, आपने पहला प्राइज इसको दिया, और दूसरे वाले में आपने, आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, ये आठ रेसर्स हैं, आठ में से किसी को भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले इवेंट में J1 को दिया, दूसरे इवेंट में R8 को दिया, तीसरे इवेंट में आप क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल साइकिलिंग कर रहे हैं तो C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 सात है इसके अंदर। अब जरा पॉसिबिलिटीज गिनते हैं, आप J1 R8 C7 J1 R8 C6 J1 R8 C1 करते करते C2 फिर C3 फिर C4 C5 ये सात बने यहां पे। और ये डिफरेंट चीज है ना, कि भाई इसमें पहले बंदे को दिया, दूसरे में आपने आठवें बंदे को दिया, तीसरे में आपने सातवें को दिया, एक पॉसिबिलिटी बन गई है। दूसरी पॉसिबिलिटी कि पहले में आप पहले को दिया, फिर आपने सातवें को दिया, फिर आपने छठे को दिया। ये बंदों को नाम दिए मैंने, ये नहीं कि छठी रेस पे आए वो, मैं नाम दिए मैं इनको, ठीक है? तो ये आप ऑब्जर्व करो कि सात पॉसिबिलिटीज के अंदर बन रही हैं। फिर R7 के अंदर भी इसी तरह सात एरो बनाओगे, सात पॉसिबिलिटी यहां बन रही है, फिर सात यहां पे, फिर सात यहां पे, करते करते ये सब सात बन रहे हैं यहां पे। जब ये सब आप काउंट कर लोगे उसके बाद अलग पे आते हैं। अलग क्या होगी कि अगर आप J2 को दे दो, फिर J2 के साथ यही आपने अटैच कर देनी है सारी की सारी, यही बिल्कुल एग्जैक्ट ये बनेगा J2 के साथ। फिर आप J3 के साथ करोगे, फिर J4 के साथ करोगे, अप टू आपने कहां तक जाना है, J5 तक जाना है, पांच है ना तो पांच तक जाना है। और आप इसको काउंट भी कर सकते हो कैसे, ये सात पॉसिबिलिटी है ना, इसकी भी सात बनेगी, इसकी भी सात बनेगी, ये टोटल आठ है ना, तो 8 को 7 से मल्टीप्लाई करो क्या होता है 56, ठीक है? तो 56 J1 की है, 56 J2 की होंगी, 56 J3 की होंगी, 56 J4 की होंगी, 56 J5 की होंगी। कहने का मतलब 56 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 56 को 5 से मल्टीप्लाई करो 280 आएगा। तो मेरा काम सिर्फ सवाल समझाना नहीं है, सॉरी सॉल्यूशन नहीं करवाना, मैं आप लोगों को डिटेल में एक बात बता रहा हूं कि इन सवालों के मतलब क्या बन रहे हैं। ये जो आप अवार्ड दे रहे हो ये किस सेंस में अवार्ड दे रहे हो, 280 जो है ये किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इन सब को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरीके से आप प्राइस दोगे, ठीक है? तो सॉल्यूशन तो खैर बहुत ईजी होते हैं इनके, लेकिन अगर आपको बात समझ आ जाए तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में, अ जेंटलमैन हैज 6 स्पेयर रूम्स। भाई 6 रूम है उसके पास, तो नंबर ऑफ रूम्स कितने भाई? 6 हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन ही अकोमोडेट 3 गेस्ट। गेस्ट कितने भाई? 3 गेस्ट है, नंबर ऑफ गेस्ट 3 है।
वो कह रहे हैं बताओ हाउ मेनी वेज ही कैन अकोमोडेट थ्री गर्ल्स ईच इन अ सेपरेट रूम। भाई शर्त है कि उनको अलग अलग रूम चाहिए, ये नहीं कि एक रूम में आप तीन के तीन गेस्ट को घुसा दो, नहीं प्राइवेसी चाहिए उनको। तो अब ये देखो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इनके जो सवाल है ना इनको आपने रियल इमेजिन करना है, ये ट्री डायग्राम बना के ख्वारी करवाने का मकसद ये कि इन चीजों को समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो बातें समझ आएंगी, वरना चैप्टर छोड़ के आगे निकल जाओगे, क्योंकि आप लोगों को जब यहां तक खत्म कर देगा कोई आगे बताएगा नहीं तो आप सोचोगे 280 क्या चीज है, मैं इन चीजों में से कैसे 280 पॉसिबिलिटी बना सकता हूं, तो ट्री डायग्राम बनाओगे तब पता चलता है। तो इसी तरह जो सवाल होते हैं ये पूरा टॉपिक है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कहलाता है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सबसे बोरिंग टॉपिक होता है मैथ का, ठीक है। डिस्क्रीट में क्या मतलब होता है कि जिसमें पॉइंट में वैल्यूज नहीं है ना, आप ऑब्जर्व करोगे पूरे चैप्टर में पॉइंट में आंसर नहीं आता आपका, 4 आ रहा होगा 5 ये अलग अलग है। एक होती है कंटिन्यूस, कंटिन्यूस में होता है पॉइंट में आंसर आ रहे हैं, रैशनल इरेशनल सब नंबर आ रहे होते हैं। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है उसमें भी एक टॉपिक होता है जिसको आप कहते हो कॉम्बिनेटोरिक्स, ये उसके अंदर आता है, परमोटेशन कॉम्बिनेशन काउंटिंग डेसिमल इस टॉपिक के अंदर आ रहा होता है, ठीक है। तो काफी थोड़ा खुश्क टॉपिक है, अगर आप इसको बनाना चाहो, अगर आप इन चीजों को समझने लग जाओगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा करते हुए। तो इसी तरह फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लो ये जो जेंटलमैन था ये आप हो, आपके पास 6 रूम है, आपके पास 3 गेस्ट आए, आपने अकोमोडेट करना है। अब जरा हम देखते हैं कितनी पॉसिबिलिटीज है, नंबर ऑफ वेज। ये जो डैश पहली लगाई है कंसिडर कर लो फर्स्ट गेस्ट है, दूसरी डैश लगाई है इसका मतलब सेकंड गेस्ट है, मैंने बताया पेपर में ऐसे ही करना है, और तीसरी जो डैश है थर्ड गेस्ट है। अब आपके पास पहला गेस्ट आया है, भैया आपने बोला कि मैं बारी बारी से, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। तो पहला बंदा है, आपके पास थे 6 रूम, कंसीडर कर लो एक घर है आपके पास जिसके अंदर आपके पास 6 रूम है, आपके पास एक गेस्ट है, आप उन 6 रूम में से उस गेस्ट को उठा के किसी में भी लेके जा सकते हो, आप उस गेस्ट को उठा के लेके जाओ, बोलो भाई पसंद करो ये 6 रूम है इसमें से कोई भी पसंद कर लो। तो पहले वाले गेस्ट के पास कितने ऑप्शन है, 6 ऑप्शन है, पर 6 रूम में से जो भी उसको पसंद आएगा वो चूज कर लेगा। तो जो पहला इवेंट है, पहला इवेंट मतलब पहले गेस्ट को किसी कमरे में भेजना, जान छुड़वाना, कितने ऑप्शन है, 6 ऑप्शन है भाई। अब फॉर एग्जाम्पल पहला गेस्ट एक रूम में जाके बैठ गया, दरवाजा उसने लॉक कर लिया, अब पीछे कितने रूम बचे, 5 रूम बचे। तो जो सेकंड नंबर वाला गेस्ट है उसके पास अब 5 ऑप्शन है, वो 5 ऑप्शन में से किसी में भी बैठ सकता है, तो उसका मतलब 5 ऑप्शन है। अब वो किसी एक रूम में गया, ताला लगा के बैठ गया, यूट्यूब खोल लिया उसने, अब आगे जो कर रहा है अलग अलग जानता है। अब एक रूम अगेन उसने ऑक्यूपाई कर लिया, अब पीछे कितने बचे, 4 बचे। अब जो तीसरा गेस्ट आ रहा है जो आखिर में आ रहा है, अब उसके पास 4 ऑप्शन है, उसको 4 में से कोई भी एक चूज करना है, 4 ऑप्शन। तीनों गेस्ट को एक साथ आपने रूम देना है ना, मतलब ये तो नहीं है ना आज आपने पहले वाले को दिया कल फिर दूसरे वाले को, नहीं, एक साथ तीनों को आपने अलग अलग रूम में बिठाना है, मतलब ये तीनों इवेंट एक साथ परफॉर्म करना है। ये नहीं बोला गया कि या तो पहले वाले को बिठा दो या दूसरे को या तीसरे को, नहीं, तीनों को एक साथ आपने रूम में करना है, अलग अलग रूम में लेकिन एक साथ सबको बिठाना है आपने। उसका मतलब प्रोडक्ट प्रिंसिपल का केस है, आप आपस में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो यहां पर मल्टीप्लाई नहीं करो, फॉर एग्जाम्पल नीचे कर लो मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, 6 5 जा 30, 30 4 जा 120, इसका मतलब नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 120। अब इसकी ट्री डायग्राम बनाना और जरा समझना कि यहां पे 120 का मतलब बन क्या है, तब आपको सवाल ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा।